नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना। लोक शिकायत निवारण में बिहार का यह जिला टॉपर। बिहार में और सख्त होगी पाबंदियां। सूबे के 5 और शहरों में होगा रिंग रोड का निर्माण। आज कुछ बदलाव के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतर सकती है टीम इंडिया। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों के पॉजिटिव आने के बाद सभी को यही आशंका थी कि शायद सीएम नीतीश की भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, और ऐसा ही हुआ भी। बीते दिन सीएमओ की तरफ से इसकी जानकारी साझा कर दी गई है। सीएमओ की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो होम आइसोलेशन पर है। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में भी एक साथ कई लोग संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बगल में एक दूसरा आवास तैयार किया जा रहा था, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही संक्रमित पाए गए। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक थे। वो हिंदी में नकिनवाद आंदोलन के 3 पुरस्कर्ताओं में से एक थे। नलिन जी का जन्म 18 फरवरी सन 1916 ईसा को पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णांत विद्वान थे। साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा के भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वो हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए। सूबे के 5 और शहरों में होगा रिंग रोड का निर्माण। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के 5 और शहरों में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए बिहार के पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बताते चले कि अभी इन 5 शहरों में से 3 शहरों का चयन हो गया है, जिसके तहत गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाए जाना है। वहीं बाकी के 2 शहरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा आदि पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि शहरों का चयन ट्रैफिक लोड और एक से दूसरे जिले के बीच आवागमन की सुविधा, ऐतिहासिक पर्यटकीय दृष्टिकोण महत्व के आधार पर हो रहा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 4500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4737 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,938 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 41, अरवल में 32, औरंगाबाद में 75, बांका में 22, बेगूसराय में 90, भागलपुर में 120, भोजपुर में 60, बक्सर में 7, दरभंगा में 79, ईस्ट चंपारण में 50, गया में 141, गोपालगंज में 32, जमुई में 59, जहानाबाद में 99, कैमूर में 5, कटिहार में 30, खगड़िया में 12, किशनगंज में 30, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 39, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 291, नवादा में 30, पटना में 2566, पूर्णिया में 20, रोहतास में 36, सहरसा में 91, समस्तीपुर में 85, शेखपुरा में 7, सारण में 67, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 37, सिवान में 38, सुपौल में 36, वैशाली में 50, वेस्ट चंपारण में 51 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए 31 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 151,475 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 691 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। लोक शिकायत निवारण में बिहार का यह जिला टॉप पर। सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने बिहार भर में लोक शिकायतों के निपटारे के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग बीते दिन जारी की है। राज्यभर की रैंकिंग बताती है कि उत्तर की अपेक्षा लोक शिकायतों की सुनवाई में दक्षिण बिहार की स्थिति ज्यादा बेहतर है, जिसके तहत दिसंबर महीने की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि साफ है कि शिकायतों के निपटारे में टॉप रोहतास जिला रहा। वहीं दूसरी तरफ तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो इसका एकमात्र जिला वैशाली टॉप 10 जिलों में जगह बनाने में कामयाब हुआ है, जिसको इस सूची में तीसरा स्थान मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर 16वें पायदान पर है। राजधानी पटना को 18वां स्थान मिल रहा है। वहीं राज्य में सबसे खराब स्थिति की बात करें तो मधुबनी जिले का नाम सामने आया है। यह जिला 38वें स्थान पर पाया गया है। शराबबंदी कानून की सख्ती के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स पर सरकार से जवाब तलब। बिहार के लगभग सभी जिलों में शराबबंदी कानून का पालन सख्ती से करवाने के लिए हाल ही में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था,
जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार मिश्रा की तरफ से राज्य में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में चोरी, डकैती, जान लेने जैसी कई तरीके की आपराधिक घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। सरकार इन घटनाओं को रोक पाने में विफल साबित हो रही है। सरकार का केवल ध्यान फिलहाल शराबबंदी पर है। प्रिकॉशनरी डोज के तहत सैकड़ों लोगों को लगा तीसरा टीका। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच बीते दिन से फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रिकॉशनरी डोज लगाने का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेशन साइट पर कोरोना टीके का तीसरा डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन नजर आई। सुबह 10 बजे से शुरू हुए प्रिकॉशनरी डोज के टीकाकरण में शाम 4 बजे तक 700 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज मानसून मोहंती ने बताया कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिख रहा है और केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 प्लस वाले कोमोरबिड लोगों की भी संख्या काफी आ रही है। लोग वैक्सीनेशन को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। बिहार पुलिस परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। बिहार पुलिस की परीक्षा का परिणाम बीते दिन घोषित कर दिया गया, जिसका रिजल्ट केंद्रीय चयन परिषद ने जारी किया है, जिसमें 1632 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के 714 पुरुष, महिला सफल घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 128 पुरुष और 46 महिला सफल हुए हैं। इस बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम में अनुसूचित जाति वर्ग के 266 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 23 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 284 और पिछड़ा वर्ग में 176 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बिहारवासियों को अगले 2 दिन सतर्कता के साथ रहना होगा, क्योंकि राज्य में कपकपाती ठंड के बीच बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दरअसल पूर्वी भारत और पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 दिनों में एक्टिव हो जाने वाला है, जिसके प्रभाव से बिहार के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम इलाके में बिजली चमकने, ओला गिरने और बारिश हो सकने का पूर्वानुमान किया गया है। इस प्रकार की स्थिति 13 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पछुआ और दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बादल छाए हुए हैं। वहीं इस दौरान दिन और रात के तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं दिखेगा। किसानों को इस सब्जी की खेती के लिए 50,000 देगी सरकार। बिहार के पटना, नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली में किसानों से एक खास सब्जी की खेती करवाने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके तहत इन जिलों में किसानों से सहजन की खेती करवाने की योजना बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के पत्ते का पाउडर विदेश भेजने की बात कही गई है। हरित सब्जी प्रसंस्करण और विपणन संघ सहजन के पत्ते की प्रोसेसिंग कर पाउडर बनाएगा। इसके लिए 100 एकड़ में सहजन की खेती कराने की योजना है। सबसे खास बात यह है कि किसानों को प्रति एकड़ सहजन की खेती पर 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। पटना में तेजी से फैल रहा है दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट। बिहार की राजधानी पटना में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा मिल रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग पहले ही परेशान है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि राजधानी पटना में दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन का तेजी से प्रसार हो रहा है। रविवार को राज्य में 27 मरीजों में से 20 पटना के विभिन्न मोहल्ले के हैं, जिसको लेकर बीते दिन विशेषज्ञों ने अपना अनुमान साझा किया है, जिसके तहत विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि दक्षिणी अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ही पटना में इतनी तेजी से संक्रमण फैला है। IGIMS माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नम्रता ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का प्रसार बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसे सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है। ये चिंताजनक है। बिहार के स्कूलों में 6 से 8 तक के 30% बच्चों के निराशाजनक परिणाम। कोविड 19 संक्रमण का प्रभाव वैसे तो दुनिया भर पर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था चरमराई है। यही कारण है कि बिहार के अधिकतर स्कूल में 4 से 8 कक्षा तक के छात्रों के रिजल्ट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है और लगभग 30% छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल पाए गए हैं। स्कूल प्रशासन की माने तो कोविड 19 में लगातार स्कूल बंद होने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट गया है। ऑनलाइन कक्षा में भी 30 से 40% ही छात्र गंभीर होते हैं। छात्र ना तो ऑनलाइन कक्षाएं नियमित करते हैं और ना ही खुद सेल्फ स्टडी ही करते हैं। इसका असर इस बार की अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट पर दिखा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही तौर पर कामकाज के लिए दायर हुआ PIL। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही ढंग से कामकाज किए जाने को लेकर तदर्थ कमेटी बनाने के लिए पटना हाईकोर्ट में बीते दिन एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अब 17 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा की तरफ से यह जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बीते जन सुनवाई की और अब अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को की जाएगी। खबरों की माने तो इस जनहित याचिका में चयनकर्ता, सपोर्ट स्टाफ और BCCI द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट में विभिन्न उम्र के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सही तौर से चयन करने को लेकर आदेश देने की मांग की गई है। बिहार
के इस जिले को मिला नेशनल वाटर अवार्ड। बिहार के विभिन्न जिलों के नाम अब तक कई उपलब्धियां मौजूद है। इसी बीच बिहार के एक और जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चंपारण को एक खास उपलब्धि हासिल हुई है और यह वही पूर्वी चंपारण है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में इस जिले को मनरेगा योजना में नंबर वन रैंक मिला है। साथ ही इस जिले को नेशनल वोटर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पूर्वी चंपारण को देश भर के स्तर पर यह अवार्ड सौंपा है। मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार नेशनल वोटर अवार्ड के ईस्ट जोन में मोतिहारी पहले पायदान पर है। इस पुरस्कार के लिए जुलाई 2021 से आवेदन किया गया था। इसके बाद केंद्रीय टीम ने देश भर के जिलों में जाकर सर्वे किया था। इस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनी और फिर रैंकिंग तैयार की गई। सख्त हो सकती है पाबंदियां। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर दिन आ रहे आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच ऐसी चर्चाएं चल रही है कि बिहार में कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर एक दो दिनों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है जिसमें ही सख्तियों को लेकर नियम कानून लागू किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। बीते दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कोविड 19 के नए वेरिएंट पर चर्चा की गई। मीटिंग में कई चीजों पर सहमति भी बनी है। हालांकि अंतिम निर्णय दो दिन बाद फिर से होने वाली मीटिंग में हो सकता है। जमानत मिलने के बाद भी घर नहीं जा पाएंगे बंदी। बिहार में कोविड 19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जेल से छूटने वाले बंदियों को जेल से निकलने से पहले उनकी कोविड 19 जांच की जानी चाहिए। कोविड 19 जांच में यदि बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें घर की जगह कोविड 19 सेंटर में भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड 19 की जांच के लिए जेल में डॉक्टरों की टीम को तैनात करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है जो कि गृह विभाग ने पेश किया है। यानी कि साफ है कि अब जेल में बंद कैदियों की कोरोना जांच की जाएगी। बंदियों की रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद ही पेशी के लिए कोर्ट में लाया जाएगा और जमानत मिलने के बाद वो घर पर ही जा सकेंगे। लेकिन यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बंदियों को ना तो कोर्ट में लाया जाएगा और ना ही जमानत मिलने के बाद वो घर जा सकेंगे। बिहार में SBI की सभी शाखाएं आधे स्टाफ के साथ होंगी संचालित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 50% कर्मचारियों के साथ ही अब काम होने वाला है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कन्वेनर संजय कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही यह भी बताया है कि बैंक प्रशाखा में एक दो स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है। कर्मचारी से लेकर स्केल 3 तक के अधिकारियों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके ऊपर के अधिकारी कार्यालय में नियमित तौर पर आएंगे। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की कोविड 19 जांच कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। हालांकि बैंक की किसी भी शाखा को बंद नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आधे परसेंटेज के साथ बैंक का संचालन होता रहे। बिहार विधान परिषद कार्यालय पर लगा ताला। बिहार विधान परिषद को एहतियातन कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है जिसकी जानकारी सचिव की तरफ से जारी की गई है। सचिव के निर्देश के मुताबिक सभी समितियों की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। यानी कि बिहार विधान परिषद आज से 16 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कुछ दिनों पहले ही कोविड 19 की चपेट में आए थे। हालांकि अब वो ठीक है लेकिन परिषद के कई अधिकारी और कर्मचारी अभी भी कोविड 19 संक्रमित है। इसको देखते हुए एहतियातन 11 जनवरी से 16 जनवरी तक विधान परिषद सचिवालय को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोविड 19 के नए वेरियंट की जांच को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कही अहम बात। बिहार में कोविड 19 मामलों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है। हालांकि राजधानी पटना के आंकड़े काफी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पटना में आ रहे मामले सरकार की चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही नए वेरिएंट ने भी स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं जिसके बाद ही नए वेरिएंट की जांच को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में खर्च क्या होता है ये सरकार के लिए मायने रखता है। मायने ये रखता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कैसे रखें। इसलिए स्वाभाविक है कि जब भी कोई नए प्रकार की जांच होती है तो वो महंगी होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग अलग प्रकार की जांच है। IGIMS में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। जो भी खर्च आएगा वो सेकेंडरी है। तेज प्रताप ने राजद से मांगी अपनी हिस्सेदारी। तेज प्रताप यादव कहने को तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से बहुत कम है। यही कारण है कि बार बार तेज प्रताप यादव का बगावती रवैया भी सामने आया है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का यही रवैया देखने को मिला जब उन्होंने अपनी पारिवारिक पार्टी राजद में हिस्सेदारी मांगी। मेरी जानकारी के अनुसार बीते दिन तेज प्रताप यादव ने MLC चुनाव में 25% टिकट की मांग की है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें भी तेज प्रताप यादव ने 6 सीटों की मांग की है जहां वो अपने समर्थकों को उतारेंगे। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप ने यह मांग सीधे तौर पर नहीं की है बल्कि उनके संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने इस मांग को आगे रखा है। वोटर आईडी कार्ड
कार्ड के लिए घर बैठे बैठे करें आवेदन। वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन केवल स्थानीय या राष्ट्रीय चुनाव से पहले ही संभव था। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से मतदाता कार्ड के लिए अप्लाई करना आसान बना दिया है। ऐसे में अगर आप भी घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ईसीआई की वेबसाइट के होम पेज पर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल सेलेक्ट करना होगा। यहां नेशनल सर्विसेज सेक्शन के अंदर एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। यह आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर ले जाएगी। डिटेल दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट करने के बाद आपको आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा। इस ईमेल में एक पर्सनल वोटर आईडी पेज का लिंक होगा। आप इस पेज के माध्यम से अपने वोटर आईडी आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे। आपको अपने आवेदन के एक महीने के भीतर अपना वोटर आईडी कार्ड मिल जाना चाहिए। आज कुछ बदलाव के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतर सकती है टीम इंडिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों ही बराबरी पर है। पहले टेस्ट में जहां टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी तो वहीं दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत पर जीत हासिल की, लेकिन अब तीसरा टेस्ट जीतकर भारत के पास इस सीरीज को अपने नाम करने का मौका है। यह निर्णायक टेस्ट मैच आज से केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। मोहम्मद सिराज जो कि दूसरे टेस्ट में चोटिल हो गए थे उनका अंतिम टेस्ट में खेलना तय नहीं लग रहा है, तो वहीं सिराज के बाहर होने पर ईशांत शर्मा या फिर उमेश यादव को शामिल किया जा सकता है। भाई अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखकर उनकी जगह भी सुरक्षित लग रही है। वहीं आज कप्तान कोहली की वापसी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। केवल आइडिया के 25 लाख रुपए जीतने का मौका। आपका एक आइडिया आपको 25 लाख रुपए जितवा सकता है। जी हां, आपने सही सुना। स्वच्छता के क्षेत्र में तकनीक और नए आइडिया को बढ़ावा देने के लिए देशभर के शहरी निकायों के बीच स्वच्छता तकनीक चैलेंज की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब इच्छुक स्टार्टअप कंपनी आईएस शैक्षणिक संस्था 13 जनवरी तक अपने आइडिया स्थानीय निकाय को भेज सकते हैं। इसकी समय सीमा 6 जनवरी को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है और अधिक समय दिया गया है। यानी कि अब निकायों में गठित ज्यूरी टीम 20 जनवरी तक हर निकाय में अधिकतम 2-2 एंट्री का चयन कर उसको 21 जनवरी तक स्वच्छता प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगी। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ 5 एंट्री को चुनकर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत 1613 में दी। चिंग थांग खोबा मणिपुर के राजा 1779 में बने। भारत के अखबारी कागज का उत्पादन 1955 में प्रारंभ हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2001 में पहली बार सुरक्षा समझौता हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ शिबू सोरेन का जन्म 1944 में आज के दिन हुआ। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में आज के दिन हुआ। जय जवान जय किसान का नारा लेने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में निधन आज के दिन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष का 1962 में निधन आज के दिन हुआ था। उमेश कुशवाहा ने कोविड-19 टास्क फोर्स गठन करने का लिया निर्णय। बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच बीते दिन जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और संगठन की मजबूती पर चर्चा के साथ ही इस दौरान प्रदेशवासियों को कोविड-19 संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। उमेश कुशवाहा ने जदयू नेताओं से अपील करते हुए कहा कि खुद को भी सुरक्षित रखते हुए वर्चुअल माध्यम या टेलीफोन के माध्यम से सरकार के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें सहयोग करें। जो भी जरूरतमंद है उन्हें पार्टी की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सजग है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाई जा सके, उनसे मांगा गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोनर शर्मा, नेहा सिंह, बबीता यादव, अनिता कुमारी, युगल कुमार, गौतम कुमार, अमित कुमार, नारायण कुमार, मिथुन कुमार पंडित, हिमू जायसवाल, शिव कुमार, रंजीत कुमार, संतोष कुमार, शिवम कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए क्या परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।